जीएसके भाई राइस्टर के ऊपर वीडियो ना, जीएसके भाई राइस्टर को एक्सपोज करो, जीएसके भाई राइस्टर हैकर है, जीएसके भाई ये है लंडे लसुन हो गाइस। भाई मतलब कितने दिनों का मेरे को इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैंने फाइनली लगा कि यार राइस्टर की तो मैटर क्लोज ही करते हैं, चलो आज राइस्टर का इस पार बार उस पार कर ही देते हैं। और गाइस एक न्यू इंपॉर्टेंट थिंग है, वीडियो को पूरा देखो आखिरी में, हम आज गाइस एक बड़ी अच्छी से अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उसके साथ गाइस राइस्टर की वॉइस रिवील भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखो और मजे लो। पता नहीं गाइस राइस्टर के जैसे गेम प्ले बनाने के लिए लोग क्या क्या तरीके यूज करते होंगे, अगर आखिरी में जाके ऐसे तरीके काम नहीं आता आखिर में बोल देते होंगे कि राइस्टर हैकर है। आज भी पता नहीं कितने सारे बंदे उसको बैन करना चाहते होंगे एंड दूसरे चैनल में जाके स्पैम मारते होंगे कि राइस्टर को बैन करो। हाँ गाइस उनमें से मैं भी हूँ एक जो उसकी आईडी बैन करवाना चाहता था, बट अब नहीं, क्योंकि गाइस एक वो समय था जब लोगों को पता ही नहीं था कि वन टैप क्या हुआ करती है, लोगों को पता ही नहीं था डीपीआई क्या चीज होती है, लोगों को पता ही नहीं था कैसे उड़ उड़ के हम लोग हेडशॉट मार सकते, लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, बट आज नहीं, आज सबको पता है कि किस तरीके से हेडशॉट मारते हैं, किस तरीके से रिएक्शन मारते हैं, किस तरीके मूवमेंट इंक्रीज करते हैं, सबको पता है ये चीज। तो आज और कोई राइस्टर को हैकर नहीं बोलता। और उस टाइम में एक सीन ये भी था कि जो भी बंदा अच्छा खेलता था दो दिन के बाद उसकी आईडी बैन हो जाती थी, तो गाइस इस वजह से लोग उसको हैकर बोलते थे। तो ये सबसे बड़ी रीजन हुआ करती थी क्योंकि उसकी खुद की गिल्ड के बंदे हैक यूज करते थे, क्योंकि उसके जो दोस्त होते थे वो भी हैक यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं डाउट ये भी जाता था कि राइस्टार भी हैक यूज करता है। तो गाइस इस वजह से राइस्टार के ऊपर इतना ब्लेम गया, इतना मतलब लोग उसको हैकर बोलने लगे। बट आखिरी में जब इंडिया की सर्वर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पैच आने लगी, जब आईडी सबकी बैन होने लगी, तब राइस्टार को छुप के सबकी आईडी बैन हो गई, तब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि राइस्टार हैकर नहीं है। अगर अभी भी आप राइस्टार को हैकर बोलते हो तो आप एक चूती हो, क्योंकि आजकल भाई फ्री फायर में 50% बंदे डीपीआई हाई करके खेलते हैं एंड सबके सब राइस्टार बन के फिर रहे। अज्जू तेरा बाप छोड़ के, अगर दूसरा कुछ चलता है वो होता है राइस्टार की वॉइस रिवील, जो कभी नहीं हो सकता। तो गाइस आजकल ऐसा सीन है, बहुत लोग फ्री फायर खेल के भी अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए गाइस क्या है, उन लोगों को खेलना पड़ेगा ऑफिशियल टूर्नामेंट। अगर तुम ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलोगे और उस टूर्नामेंट में जीतोगे तो ही तुम्हारा नाम हो पाएगा। तो भाई फालतू की टूर्नामेंट छोड़ के ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलो, जैसे राइस्टार खेलने वाला है। जैसे मैं राइस्टार को पूछा क्या तू टूर्नामेंट खेलेगा, तो बोलते हाँ खेलूंगा, हर टूर्नामेंट खेलेगा, हाँ खेलेगा। तो गाइस राइस्टार ऐसे कुछ बोला, तो आप लोगों को भी ऐसा ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलना है तो आप लोगों के लिए फ्री एंट्री गाइस जो ऑफिशियल टूर्नामेंट की, पहले आप ट्रेलर देख लो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो गाइस आपने देखा ये है कोडा शॉप की ग्लोबल सीरीज। तो गाइस ये टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है आज 4 बजे गाइस। यस गाइस आज 4 बजे इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और गाइस कोई पैसे जरूरत नहीं है, ऑफिशियल टूर्नामेंट, और ऑफिशियल टूर्नामेंट में कोई भी पैसे नहीं लगते, आपको सिर्फ जीतने पे भाई नाम ही मिलेगा और आपको इनाम ही मिलेगा और कुछ नहीं। आप अगर फर्स्ट हो तो गाइस प्राइस पूल है आई थिंक 60,000 का एंड गाइस ये पहला टूर्नामेंट है कोडा शॉप की तरफ से गाइस जो ऑफिशियल हो रहा है एंड इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी है। फेसबुक में जाके कोडा शॉप की पेज है, वहां पे 4 बजे रजिस्ट्रेशन लिंक छोड़ने वाले वो लोग एंड आपको जाके फट से रजिस्ट्रेशन करना है। तो बताओ कितना अच्छा बात बोल दिया, आपको फ्री में खेलने मिलेगा, अगर जीतते हो नाम भी मिलेगा, आप अगर जीत भी जाते हो तो आपको कोई स्पोर्ट कंपनी आके खरीद लेगा गाइस, जो आपको मंथली भर भर के पैसे देंगे। तो जाओ जाके खेलो, 4 बजे जैसे लिंक छोड़ते हैं कोडा शॉप वाले, रजिस्ट्रेशन करो, डन करो उसको। और ऐसे ऑफिशियल टूर्नामेंट और गाइस और भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। ऐसे जितनी टाइम गाइस ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मेरी चैनल में। तो गाइस इतनी टाइम से वेट करते करते आई थिंक थक गए होंगे कि राइस्टार की वॉइस कब सुनाएगा जीएसके भाई। तो गाइस अभी आ चुका है वो, मतलब पल आ चुका है जब आप राइस्टार की वॉइस सुनोगे और आपको सुनने के बाद बोलना होगा कि राइस्टार कैसा बोलता है, आपको उसकी एज भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो चलो सुनते हैं राइस्टार की वॉइस, वो कैसे बात करता है। कहां पे क्या बोले, ज्ञान भाई ग्रुप में जाइए क्या था? ना 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 अबे यार
लेवल 3 बैग चाहिए क्या? ज्ञान नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेवल असली वॉइस रिवील करने वाले है। बेसिकली वो तो टेक्स्ट करके मेरे को बताया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बंदा बोल कह रहा है। ठीक है, चलो देख लेते, उससे पूछ ही लेते खुद। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारे राइस्टर भाई। मैंने राइस्टर के साथ बहुत टाइम बात किया गाइस, बहुत टाइम बात करने के बाद राइस्टर को मैंने बहुत सारा सवाल किया। एंड राइस्टर गाइस ये देखो आ गया गाइस। ठीक है, ये देखो राइस्टर, ये देखो इसकी प्रोफाइल वगैरह देख लो। ठीक है, अभी मैंने जैसे राइस्टर को बहुत सारा सवाल किया, उनमें से गाइस पहला सवाल ये था कि राइस्टर गाइस मतलब नूब ड्रेस क्यों पहना था। बेसिकली हम लोग सब नूबी ड्रेस पहने, मतलब बहुत मजा आ रहा है मेरे को भी। बेसिकली बहुत नूब ड्रेस पहनने का बहुत शौक है, मैं नूब ड्रेस पहन के बहुत ज्यादा खेलता हूं, इसमें मजे भी आते हैं, सामने वाला बंदा नूब भी सोच लेता है एंड गलती कर लेता है। अभी गाइस बोल रहा था राइस्टर की अभी वो फिलहाल ज्यादा जीटीए खेलता है, जीटीए रोल प्ले खेलता है गाइस, एंड वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेलने वाला है गाइस वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे राइस्टर भाई को मैंने भी पूछा आपका एज कितना है, तो राइस्टर भाई 17 साल का जो वॉइस आपने सुना ये 2 साल पहले के, तो हमने अंदाजा लगा लो 15 साल का है। तो वॉइस 15 साल की साउंड मैंने आपको सुनाया जो थोड़ी देर पहले सुना, अभी राइस्टर 17 का है। अभी मैंने बोला शादी वादी करने का कोई प्लान है क्या, तो राइस्टर ने बोला नहीं मेरे को तो शादी का कोई प्लान वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस यही था, राइस्टर के साथ बहुत सारी बातें किया एंड राइस्टर बोला कि उसके साथ भी बहुत सारे बंदे थे जो लोग हैक यूज करते थे, उनकी प्रोफाइल बैन हो चुकी है, उनकी फ्रेंड लिस्ट पे थे वो लोग। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बातचीत किया हम लोगों ने। ठीक है, और क्या बात खत्म गाइस, और क्या राइस्टर के साथ बात करवा दिया, यहाँ पे शादी तो आपका हुआ है। हाँ गाइस, मैंने जब शादी का बात पूछा था तो वो बोल रहा था। चलो गाइस, तो राइस्टर से भी गाइस, राइस्टर से जब मैंने बोला कि वो वॉइस रिवील कब करने वाला है, तो राइस्टर ने बोला कि 2 महीने की आसपास ही और वॉइस रिवील कर देगा खुद का। ठीक है, अभी वो मतलब एक चीज तो भैया मैंने उससे ये भी बात किया कि गाइस कॉन्ट्रोवर्सी हैकर वैकर बोलने के चक्कर में हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसकी वजह से गाइस कहीं ना कहीं राइस्टर को भी फायदा हुआ है, क्योंकि गाइस उसकी चैनल में उतना ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं था, बट कॉन्ट्रोवर्सी जैसे हुआ गाइस एंड हम लोगों ने जैसे राइस्टर को हैकर वैकर बोले, तब गाइस उसके सब्सक्राइबर में गाइस 2 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब उसकी चैनल में 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया गाइस। अभी तक गाइस राइस्टर मतलब क्या बताऊं, इंडिया में इतनी कम मतलब वीडियोस में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर किसी का नहीं हुआ, क्योंकि गाइस उसको लोग उसकी चैनल में जाते हैं, उसकी चैनल विजिट करके सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, क्योंकि उसकी चैनल में उतने ज्यादा वीडियोस है नहीं गाइस। तो गाइस कहीं ना कहीं उसका ही फायदा हुआ है गाइस, उसकी चैनल ग्रो हो गई बैठे बैठे। तो गाइस चलो राइस्टर भाई बाय, चलते तो बाद में मिलेंगे, ये बोल के हमने आ गया वापस, मैं वापस आ गया, मेरा नहीं हाँ खेलूंगा, हाँ तो गाइस हाँ खेलूंगा, यहाँ पे सीन था वो टूर्नामेंट वगैरह सब खेलने वाले, तो आप लोग भी टूर्नामेंट वगैरह खेलो। एंड गाइस आप लोगों से और भी एक बात करना है, चलो देखते हो वीडियो को। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो थंबनेल है उसको गाइस गिफ्ट किया है एक बंदे ने गाइस, जो अच्छा थंबनेल बनाता है बट उसके पास फोन नहीं है, एंड मेरा मे भी गाइस यूट्यूब में उतना ज्यादा अर्निंग नहीं करता कि मैं उसको फोन खरीद के दे सकूं। पहले करता था एक टाइम में, बट अभी मैं फोन से नहीं करता ज्यादा, कोई ज्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं करता, जिस वजह से मेरा भी उतना अर्निंग नहीं है कि मैं उसको फोन खरीद के दे पाऊँ। तो गाइस आपका मैं उसका पेटीएम नंबर डिस्प्ले पे शो करता हूँ, एक एडिटर है, आपको अगर उसका थंबनेल अच्छा लग रहा है मैंने जो यूज किया है, तो आप उसको 5 रुपये 10 रुपये 1 रुपये जितना हो सके आप उसको डोनेट कर सकते हो, उसकी पेटीएम नंबर पे बेचारा एक फोन खरीद लेगा एंड अच्छा एडिटर हो पाएगा। एंड मैं उसकी फोन की फोटो भी दे रहा हूँ, एंड आपको अगर 2-1 रुपए दोगे फिर भी चलेगा गाइस, उस बंदे को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, वो अपनी फोन को ठीक करवा लेगा, खरीद ना पाया कोई बात नहीं, वो अपनी डिस्प्ले को रिप्लेस कर लेगा, फिर भी चलेगा गाइस। तो गाइस हो सके तो उसको थोड़ा बहुत डोनेट भी कर देना गाइस, क्योंकि अब मैंने उसको बोला कुछ दिन रुक जा, तो मैं 2-3 महीने के बाद मैं तेरे को पैसे दूंगा, बट मेरा भी उतना पैसा है नहीं जिस वजह से मैं उसको दे नहीं पाया। तो यार हो सके तो गाइस थोड़ा बहुत डोनेट कर देना उसको, 1-2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी दे पाया। तो पेटीएम नंबर ये रहा गाइस, डिस्प्ले के ऊपर पॉपअप हो रही है।